अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बोलो थला चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम आता है या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, और वो भी सिर्फ म्यूज़िक की वजह से, मतलब आपने कोई ऐसा म्यूज़िक यूज़ कर लिया है जिसकी वजह से जो है वो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आता है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपकी जो है वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको जो है वो कोई भी स्ट्राइक या क्लेम नहीं कर सकता। तो आइए अपनी वीडियो को टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने जो है एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है YT स्टूडियो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ सर्च। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मेरे पास जो है वो ओपन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस ऐप से होता ही है कि आपके पास जो है वो सारे वॉच टाइम देखें, आप वॉच टाइम, व्यूज़ कितने आए हैं, सब्सक्राइबर चेंज कितने आए हैं, और कौन सी वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं, ये सब कुछ जो है आपको इस ऐप से पता चल जाएगा। इंप्रेशंस वगैरह, कमेंट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे सारे देखेंगे। आप यहीं से जो है उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऐप। इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इसमें जिस और इसमें जो है वो आपको अपना चैनल लॉगिन करना है। चैनल लॉगिन करने के बाद इसको छोड़ देना है, आपने इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने जो है वो बाहर आ जाना है, और बाहर आने के बाद आपने जो है वो जाना है गूगल क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे भी अपना जीमेल के थ्रू जो है वो चैनल को लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे तीन डॉट्स आ रहे हैं मेरे चैनल का जो लोगो है इसके ऊपर, तीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे ये। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आपने जाना है डेस्कटॉप साइट। इससे होगा ये कि जो साइट, जैसी साइट आपकी जो है वो डेस्कटॉप पे दिखती है यानी कंप्यूटर पे, उस तरह आपकी जो है वो मोबाइल में दिखने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो फिर अपने चैनल पे क्लिक करना है, और आपने अपने चैनल पे जाना है, योर चैनल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, योर चैनल पे जाने के बाद आपने जो है वो कस्टमाइज चैनल, ये जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये आपको जो है YT स्टूडियो में लेकर आया, और YT स्टूडियो से जो है वो आपको दोबारा जो है वो रिडायरेक्ट कर देगा गूगल क्रोम पे। बस आपने करना ये है YT स्टूडियो में जो है अपना चैनल लाजमी लॉगिन कर लेना है, वरना ये आपको रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उल्टे हाथ पे मेरे चैनल लोगो के नीचे देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने आ जाना है सबसे नीचे, ये देखें म्यूज़िक का एक आइकन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास जो है बेतहाशा म्यूज़िक आ रहे हैं, और इसके लिए आपको करना यह है, आप ये देखें म्यूज़िक जो लिखा हुआ है ये, इसके नीचे तीन लाइनें बनी हुई हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपका बेसिकली फ़िल्टर है। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मोबाइल को जो है वो पोर्ट्रेट मोड में लेकर जाना है। अब देखें जैसे ये इसका मेन्यू खुल चुका है, तो ये थोड़ा सा एक बग है शायद यूट्यूब का। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फ़िल्टर खुल जाएगा। अब मुझे फ़िल्टर में जाना है किस में, मूड में। जैसे मैं मूड में जाऊँगा यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मूड के आ जाएंगे। एंग्री मूड का मुझे म्यूज़िक चाहिए, फंकी, हैप्पी, इंस्परेशनल, जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं रोमांटिक करके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे म्यूज़िक अब वो आ गए जो रोमांटिक कैटेगरी में पड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें प्ले का निशान बना हुआ है, सबसे पहले इसको मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये म्यूज़िक प्ले हो गया। अच्छा, मैं इसको जो है दोबारा लैंडस्केप में कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर नजर आएँ, और थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये म्यूज़िक चलाया था, अब मैं ये चलाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ फ़ौरन। यहाँ से आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं कि म्यूज़िक कैसा है, अगर आपके मतलब का है। चलें, ये मैं बना के देखता हूँ। जैसे ये म्यूज़िक जैसा मुझे फॉर एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है। अब आपने करना ये है, इसका देखें YouTube का जो आइकन बना हुआ है इसका कॉलम का नेम आप देखें लाइसेंस टाइप लिखा हुआ है। अब आप इसको क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज शो करेगा YouTube ऑडियो लाइब्रेरी लाइसेंस। अच्छा, इसके नीचे लाइन में लिखा है यू कैन यूज़ दिस ऑडियो ट्रैक इन एनी ऑफ योर वीडियो इंक्लूडिंग वीडियोज डेट यू मोनेटाइज, नो एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि ये जो म्यूज़िक है ये आप अपनी हर वीडियो में यूज़ कर सकते हैं,
इंक्लूडिंग वो वीडियो जो आप मोनेटाइज करें, मतलब कोई आपको जो इस पे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं आएगा और कोई एट्रीब्यूशन बेस में रिक्वायर्ड नहीं होगी, मतलब किसी को क्रेडिट आपको देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है यूट्यूब में क्रेडिट द आर्टिस्ट एंड लिंक द ऑडियो लाइब्रेरी फ्रॉम योर वीडियो। इसमें ये कह रहे हैं कि यूट्यूब जो है वो खुद इस म्यूज़िक को जो है वो उस आर्टिस्ट के साथ जो है वो लिंक कर देगी जिसका ये म्यूज़िक है। तो इसका आसान अल्फाज में बताऊँ तो यूट्यूब जो है वो खुद इस म्यूज़िक को जो है वो उस आर्टिस्ट के साथ जो है वो लिंक कर देगी जिसका ये म्यूज़िक है, इस तरह उसको क्रेडिट भी मिल जाएगा, आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये म्यूज़िक जो है वो पसंद आता है, म्यूज़िक बॉक्स। अच्छा, जैसे आप इसको तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, अब ये देखें मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ हाथ के हाथ। म्यूज़िक जो है वो आपकी मोबाइल में जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब इस म्यूज़िक को जो है आपने सिंपली अपने जो भी एडिटर आप यूज़ करते हैं वीडियो एडिट करने के लिए, उसमें जाके म्यूज़िक इम्पोर्ट करना है और सिंपली इस म्यूज़िक को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और गारंटीड है 100% कि आपकी वीडियो पे आप कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक अब नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।